तो गाइस फाइनली वो चीज आ चुकी है जिस चीज का हमको काफी टाइम से इंतजार था। सलार का टीजर आ चुका है गाइस, आज सुबह मॉर्निंग में 5:12 पे उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे 5:12 कुछ और टाइम नहीं है। सो इस टाइम का भी एक थ्योरी निकलती है, वो मैं बाद में जाके बताऊंगा। सो आज सुबह का काफी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि रात को मैंने मेरे घर वालों को बोला कि आप सुबह मेरे को 5 बजे जगा देना, तो उनको लगा भाई वाह हमारा लड़का 5 बजे उठ रहा है। लेकिन मैंने 5 बजे उठ के 5:12 में मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन भाई एक लाइव चल रहा था 1 लाख 1.5 लाख, लेकिन टीजर नहीं आया। मैंने फाइनली 5:17 पे टीजर देखा और मुझे उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आई जैसी अब आपको मेरा हेयर स्टाइल देखकर फीलिंग आ रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। सो टीजर इज अ गुड, वो फुल KGF वाली वाइब देता है, स्लोमो वाले शॉर्ट्स एंड वो काफी अच्छे लगते हैं। एंड टीजर में कुछ ज्यादा बताया गया नहीं अपने को, खाली वो कैसा जजमेंट सेट करने वाली है मूवी उस हिसाब से अपने को थोड़े थोड़े शॉर्ट्स दिखाए हैं। आर्मी बेस है या फिर उनकी पूरी पूरी गैंग है, उनके अलग अलग नाम भी दिखाए जाते हैं। एंड टीजर में स्टार्टिंग में अपने को कुछ डायलॉग्स बताए हुए हैं कि लायन टाइगर एलिफेंट वो काफी डेंजर होते हैं, लेकिन वो जोरासिक पार्क में नहीं होते क्योंकि जोरासिक पार्क में डायनासोर होते हैं एज सलार। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग कि डायनासोर का नाम लेने के बाद में प्रवास की एंट्री होती है एंड उनके 2-4 शॉट्स आते हैं और उनकी जो एंट्री का जो स्टार्टअप होता है वो होता है पंच से एंड उसके बाद में धीरे धीरे वो रिवील होते हैं। एंड ज़्यादा अपने को टीजर में बताया हुआ नहीं है, हाँ, और अपने को ऐसा भी नहीं बताया हुआ कि ये KGF के यूनिवर्स का पार्ट है। लेकिन जो फैन थ्योरी निकलती है वो काफ़ी निकलती है, जैसे मैं अपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि 5:12 KGF चैप्टर 2 थी, उसकी जो एंड में रोकी भाई शिप लेके निकलता है तो उसके आगे जो 2-3 घड़ियाँ होती है उस घड़ी में एक राइट साइड में 5:12 टाइम हुआ रहता है। तो ये काफ़ी जो प्रभास के फैन है उनकी थ्योरी निकल के आती है, बाकी उनका तो वो आगे को ट्रेलर और मूवी में अपने को पता चल ही जाएगा। आई थिंक इनका जो स्टार्टिंग में पहले ही लिखा जाता है कि जिसने KGF मेकिंग की है वही सलार बना रहे हैं। यस गाइज, इसके डायरेक्टर सेम है, प्रोडक्शन हाउस सेम है, म्यूजिकल जो बनाते हैं वो सेम है, एक्शन वाले पूरी टीम जो KGF की थी वही सलार में है। तो इस मूवी के डायरेक्टर जो है प्रशांत नील, उनसे अपने एक्सपेक्टेड रख सकते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया मूवी बनाएंगे, क्योंकि KGF चैप्टर 2 की सक्सेस के बाद उन पे भरोसा अपना जो ट्रस्ट है वो कर सकते हैं। सो अगर आपको वो भी देखना है तो आप चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन।